आप देख रहे हैं BS Reviews। तो फैन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर एक बिगेस्ट क्लैश होने वाला है, वो भी दिवाली के ऊपर, सिंघम अगेन वर्सेस बोल बलेंगे 3। और फैन वार आप सभी को एक्स के ऊपर देखने को मिली होगी। यस गाइस, यानी कि यहां पर सिंघम अगेन मूवी के जो फैंस हैं वो बोल बलेंगे 3 के खिलाफ नेगेटिविटी कर रहे हैं, और बोल बलेंगे 3 के जो फैंस हैं वो सिंघम अगेन मूवी के खिलाफ नेगेटिविटी कर रहे हैं। और भाई साहब क्लैश में ऐसा ही होता है। यस गाइस, यानी कि यहां पर जब शाहरुख खान सर का और प्रभास सर का क्लैश हुआ था, तो भाई साहब दोनों जो फैंस क्लब्स थे उन्होंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा नीचा दिखाया था। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन होने वाली है, जो कि जो फैंस क्लब होते हैं वो भाई साहब अपनी मूवी को बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं। और यहां पर अगर बात करें क्लैश की, तो आप सभी को पता है कि सभी यही सोच रहे हैं कि इस मूवी का हाइप ज्यादा है, दूसरी तरफ दूसरे कह रहे हैं कि इस मूवी का हाइप ज्यादा है। तो यहां पर बुक माय शो को छोड़कर इस मूवी की ओवरऑल जो हाइप है उसके ऊपर बात करने वाले। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे अपडेटेड को देख सके। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं दोनों ही मूवीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, दोनों ही मूवीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर दोनों में से जो भी मूवी अच्छी होगी, चाहे वो सिंघम अगेन हो या बोल बलेंगे 3 हो, वही मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करेगी अच्छा और तगड़ा। क्योंकि जो मूवी पब्लिक को पसंद आती है उसका कलेक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो मूवी पब्लिक को पसंद आ जाए तो फिर जब तक पब्लिक उसको सपोर्ट करती रहती है और उस मूवी का कलेक्शन चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर बात करें सिंघम अगेन और बोल बलेंगे 3 के क्रेज की, तो आप सभी को पता है कि सिंघम अगेन एक एक्शन मूवी और भाई साहब छोटी मोटी एक्शन मूवी नहीं है, बहुत बड़ी एक्शन मूवी है। और उसके बाद बोल बलेंगे 3 एक कॉमेडी प्लस हॉरर जेनर वाली मूवी है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है वो भाई साहब मास प्लस एक्शन मूवीज वाली है। यहां पर आप सभी को पता है कि ऑडियंस सबसे ज्यादा जो मूवीज को पसंद करती है वो एक्शन मूवीज की। और आप सभी को पता है कि अब की बार अजय देवगन सर, उसके अलावा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, यानी कि चारों सुपरस्टार हमें एक ही मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, वो भी एक्शन वाले अवतार में। तो भाई साहब पब्लिक की फर्स्ट चॉइस होगी सिंघम अगेन। यस, यानी कि यहां पर मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं दोनों मूवीज को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन पब्लिक की जो फर्स्ट चॉइस होने वाली है वो सिंघम अगेन मूवी होने वाली है। और भाई साहब एक्शन मूवी है, और अगर ये मूवी अच्छी निकल कर आती है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरती है, तो भाई साहब इस मूवी का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो आप कह सकते हैं कि क्लैश में भी 35 करोड़ प्लस हो सकता है। यस, यानी कि जो सिंघम रिटर्न आई थी उसने उस टाइम आज से 10 साल पहले 34 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, 34 करोड़ से ज़्यादा किया था, कम नहीं किया था। तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते कि सिंघम अगेन तो बहुत बड़ी एक्शन मूवी है, तो भाई साहब इस मूवी का जो कलेक्शन है वो क्लैश में भी उससे ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर बोल बलेंगे 3 की, तो आप सभी को पता है कि बोल बलेंगे 3 1 नवंबर को रिलीज हो रही है, और स्क्रीड 2 को मूवी के हिट होने के बाद, ब्लॉकबस्टर होने के बाद भाई साहब इस मूवी को भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया है। क्योंकि यहाँ पर जो हॉरर प्लस कॉमेडी वाली ऑडियंस है वो भी पूरे तरीके से एक्टिव है, और भाई साहब इस मूवी को भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यानी कि जो फैंस हैं वो भाई साहब इस मूवी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी को, सिंघम अगेन मूवी के जो फैन क्लब्स हैं भाई साहब उनके अगेंस्ट बोल बलेंगे 3 के जो फैंस हैं वो खड़े हैं। यस, यानी कि यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी का बहुत बड़ा स्केल है और बोल बलेंगे 3 का भी बड़ा स्केल है, लेकिन ये एक्शन मूवी नहीं है, तो भाई साहब यहाँ पर जो फैंस क्लब है वो सिंघम अगेन को टक्कर दे रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि इस मूवी का भी क्रेज अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर न्यूट्रल में बात करूँ तो भाई साहब सिंघम अगेन मूवी का क्रेज यहाँ पर है, और बोल बलेंगे 3 का क्रेज यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इतना है। यस, यानी कि यहाँ पर जब ये दोनों मूवी से कंटेंट आएगा ना, टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, पोस्टर आएगा, तो तब असली हाइप, असली क्रेज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो हाइप है वो सिंघम अगेन का ज्यादा है, और बुक माय शो पर भी सिंघम अगेन के इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए मैंने बुक माय शो को ऐड नहीं किया। क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी ये कहेंगे कि भाई साहब एक तरफ 4 सुपरस्टार है और एक तरफ बोल बलेंगे 3 में कार्तिक आर्यन अकेले हैं, तो मैं अभी बुक माय शो को मैटर नहीं दे रहा। लेकिन आने वाले समय में जब पोस्टर, टीजर, ट्रेलर आएंगे तो भाई साहब तब बुक माय शो को देखा जाएगा। क्योंकि कंटेंट के बाद आप सभी को पता है कि पब्लिक सामने जितना भी बड़ा सुपरस्टार हो या छोटा स्टार हो, कंटेंट अच्छा होता है तो पब्लिक उसी तरफ जाती है। तो यहाँ पर सिंपली सिंघम अगेन का क्रेज ज्यादा है, बोल बलेंगे 3 का क्रेज कम है सिंघम अगेन के मुकाबले में। और आपको क्या लगता है कि आप किस मूवी को फर्स्ट फर्स्ट देखने वाले हैं? हम कर सकते हैं।